और आप इसका सब्जेक्ट, इसके वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो। अगर इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ है वो भी आप पहचान सकते हैं। कितने बच्चे आप में हैं जो पूरा पहचान सकते हैं? आप उठाएं। कितने लोग? मतलब सारे लोग नहीं, डर रहे हैं। फिर से आप रहे जो लोग पहचान सकते हैं, बाकी डर रहे हैं जो नहीं हो हाथ उठा रहे। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते ही तो जो पहला कर्म आप करते वो क्या होता है? ये डिसाइड करते कि यहां से हमारा क्या है, यहां से हमारा पेड़ है। तो ये पूरा क्या है? अब ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट। अगर ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर ये कंप्लीट सब्जेक्ट है तो इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट। अब यानी अ लॉट ऑफ पीपल में पीपल जो है सिंपल सब्जेक्ट है, और इन दिस क्राउड क्या है? याद करें, एडजेक्टिव फ्रेज जो वास्तव में यहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह क्या कर रहा है? काय। अभी पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर ये क्या है? कम वर्ब हो गई। और इस हैव कम से हमने पूछा कि वो आए हैं, क्या आए हैं, कोई जवाब। किसे आए हैं, कोई जवाब। यानी हमें पता चल गया कि हमारे पास यहां कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो फिर है क्या? अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं तो हराल में एडवर्ब हो, तो वो आए हैं, कहां आए हैं? यहां एडवर्ब हो गया। आप एडवर्ब में भी बता सकते हैं, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कब आए हैं? आज आए, टुडे। ये एडवर्ब ऑफ तो बता सकते हो, बस विश्वास की आपके अंदर कमी आ रही है कुछ अंदर। पर अगर आप चाहें एक एक चीज, आपको ये नहीं बहुत बताना है इस सब्जेक्ट में क्या है, लेकिन कम आप बता सकते हैं अ लॉट ऑफ मॉडिफायर। क्या कहते हैं? मॉडिफायर, जो पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। कितने लोग? अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग ये मॉडिफाई कर रहा है। पीपल सिंपल सब्जेक्ट हो गया, मीन्स मेन वर्ब, मीन्स एडवर्ब, और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, ये जो वर्ब है कम, या ट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है, और जिस वर्ब का दो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट है वो डाइट्रांजिटिव। देख ले, अगर न समझ पाए हो कुछ भी आप, कोई भी शब्द अगर आप न समझ पाए, ये मॉडिफाई हो जाएगा, क्वालिफायर आपको। इसमें अलग अलग छाप में, वैसे पूरा देखेंगे ये आपका क्या है, अल्लाह का एक मॉडिफायर है, क्योंकि बता रहा है कितने लोग, मतलब एडजेक्टिव की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पूरे को आप चाहे तो क्वालिफायर कर ले, पूरे को चाहे तो डिटरमिनेंट कर ले, पर ये अलग अलग न करें। क्यों पूछे? इसमें सिंपल प्रेडिकेट कौन सा है? तो हैज बीन, ये पूरा हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो जाए, पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब एक एक चीज जाने, तो मेरे पिता जो हैं इस कमरे में कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Has been reading, क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, ये वर्ब हो गई। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? और वो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और कैसे पढ़ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? कैसे का जवाब तो होता है वो एडवर्ब ऑफ। अगर इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। हेलो हेलो, चलो थैंक यू। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और बुक कौन सा होगा? और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट? कैसे पता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट, और अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप तुरंत कह दें वो क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइफ में कभी आगे और जानेंगे आप, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है
इसे एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, लेकिन फिर कभी कर लेंगे यहां तक ना। चलिए हेडिंग दिया होगा आपने शायद कॉम्प्लीमेंट, अभी लिखे नहीं इसमें कुछ है, हेडिंग दे ले कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में आप जानते होंगे पूरक है, कभी आपके लाइफ में कोई ऐसे कहे कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूं, वो कॉम्प्लीमेंट्स PLI रहे, उस कॉम्प्लीमेंट्स में इन सब बधाइयां शुभकामनाएं प्रशंसा, ये PLE इस कॉम्प्लीमेंट में पूरक। अगर आप समझना चाहें कि हम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा गया, ये मर्ज करके बनाया गया, कैसे मर्ज किया गया, कॉम्प्लीट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका क्या लिया गया केवल, यही हुआ ना, और एक ई से जोड़ लिया यहां से, ये हटा दीजिए तो रहेगा कॉम्प्लीमेंट, यानी ई यहां से अलग से जोड़ा गया, बाकी पूरा कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट प्लस एलिमेंट। प्रश्न से क्यों पूरा कहा जा रहा है, क्योंकि यह पूरा करने का कार्य कर, प्रश्न किस चीज को पूरा करने का कार्य कर रहा है, दो प्रकार की कमियों को पूरा करने का काम, वो दो प्रकार की कमियां कौन सी हैं, वो दो प्रकार की कमियां सब्जेक्ट से संबंधित हो सकती हैं या ऑब्जेक्ट से संबंधित हो सकती हैं, इसी पर इनका नाम रखा गया, वो कमी मतलब वो पूरक जो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा कर रहा है वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और वह कॉम्प्लीमेंट वह पूरक जो ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा कर रहा है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई पूछे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का कार्य कर रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कितने प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, दो प्रकार के, सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने वाला क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने वाला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देख ले ये हो गया, ये लिखने तो काम है, हो गया, चलिए लिखे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से संबंधित कमियों को या कमी को पूरा करने वाला शब्द, पूरा करने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है फर्स्ट ऑफ। इस आधार पर, इस आधार पर यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि एक कॉम्प्लीमेंट, कि एक कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर से नहीं दे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, लिखने आगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने वाला शब्द, सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने वाला शब्द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फर्स्ट लाइन चेंज करें और एक हिंट दें, आप अगर हिंदी में हिंट देना चाहते हैं तो कैसे पहचाने, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई, इंग्लिश में हाउ टू आइडेंटिफाई और हिंदी में कैसे पहचान। आज से पहले या इस बैच से पहले अगर हमने कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ा, आई एम अ टीचर, तो हम ऐसा नहीं कि हम अर्थ नहीं समझते, अर्थ समझते थे, ये हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि आई क्या है, एम क्या है और टीचर क्या है। अभी आसन कर सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है यहां, और हम ये भी कर सकते हैं कि एम ही यहां पे मेन वर्ड, तो इसके आगे कोई एक्शन वर्ड, वो सिंपल सी पहचान है, जब भी इज एम आर वाज वर्ड मेन वर्ब का काम करे तो इनके बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी होगा जब सब्जेक्ट कोई कार्य करे, क्या होगा, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा तभी आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है नहीं, ये तो अवस्था बता रहा है। इसका मतलब है जब भी इस एमआर वाजवर्ड के बाद कोई एक्शन वर्ब ना आए, सीधे कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, वह वर्ब आपको याद होगा लिंकिंग वर्ब या बीइंग वर्ब कहलाती है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ नाउन या एडजेक्टिव होता है वह क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये बात गुड, चलिए लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें पहले, I am a teacher. Okay, लाइन चेंज करके लिखे, इस वाक्य में इस के बाद आई एस को सिंगल इनवर्ट फॉर्म में डाल दीजिए, इस के बाद एम लिखे हैं, सॉरी एम के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कॉमा दे दीजिए, एक नाउन है, या नाउन फ्रेज लिख लीजिए, एक नाउन फ्रेज है, लाइन चेंज कर, इज एम आर was verb, is am are was verb के बाद कोई एक्शन वर्ब ना आकर, कोई एक्शन वर्ब ना आकर कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए,
कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे द मैन इज अ, आपको पता है कि द मैन क्या है यहां, द मैन क्या है, एक नाउन फ्रेज के रूप में क्या है, सब्जेक्ट है ना। इज क्या है यहां, मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में कौन सी वर्ब, बीइंग या लिंकिंग। ये लिंकिंग वर्ब खुद ही पहचान है कि इसके आगे क्या होगा, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे कैसे आप कर, इस एम आर वाज वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, एक्शन वर्ब, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, यहां क्या है, नाउन आ गया। ये जो नाउन होगा यह क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, तब वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाए। और एक देखिए, she was punished। जब आप सब्जेक्ट से कैसा का प्रश्न करते हैं, कैसा का प्रश्न सब्जेक्ट से करते हैं, तो अगर आपको आंसर मिलता है वो हमेशा एडजेक्टिव। पनिश क्या है, इसका गुण बता रहे हैं एडजेक्टिव। लेकिन हमने देखा कि she क्या है, हमारा एक नाउन फ्रेज के रूप में सब्जेक्ट है। वास क्या है, यहां पर मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब तो है ही नहीं। जब लिंकिंग वर्ब है तो वास के बाद अगर सीधे नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो क्या होगा आपका, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देख यहाँ पे मेरी कार का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का काम है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब है, हैज हैव हैड मेन वर्ब हो गई। जब मेन वर्ब हो गई तो उसके बाद जो कुछ है वो आपका उसका पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन कर्म नहीं हो रहा है, कार्य तो कोई हो नहीं रहा वहां पे। जो मेरी कार से जो कुछ भी, यू हैव सम बुक, शी हो, ये सारी स्टैटिव हो, वर्ब हो गई आपकी हैव है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो गए। आपसे नहीं, ऑब्जेक्ट होने के लिए एक्शन वर्ब का होना क्या है। अगर यही वाक्य होता, यू हैव योर लंच एट 2, यू हैव योर लंच, ये हैव यहां स्टैटिव वर्ब नहीं, ये पोजिशन नहीं दिखा रहा, ये हैव यहां पे क्या है, एक्शन वर्ब, क्योंकि यहां हैव मीन्स खाना, खाना भोजन करना। तो आप अपना भोजन कितने बजे करते हैं, दोपहर में या 2 बजे करते हैं, तो यहां जो हैव है वो एक्शन वर्ब आएगा, था इसके आगे जो आपने योर लंच या जो लिया वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं। मैं पढ़ा दूंगा आपको, पहले कर ले, हो गया। लेकिन नोट, NOTE, NOTE नोट, बी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं, बी मतलब समझ रहे हैं आप, इज एम आर वाज वर्ब, जैसे बी का मन में आए तो तुरंत इज एम आर वाज वर्ब, बी लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बी के अलावा, बी के अलावा
सेम एस डबल ई एम सेम फील एफ डबल ई एल फील महसूस होना साउंड एस ओ यू एन डी साउंड प्रतीत होना लगना ये साउंड आवाज के लिए नहीं प्रतीत होना या लगना हो गया appear a double p e a r appear comma grow g r o w grow comma get g e t comma turn p u r n comma fall f a double l fall f a double l fall गिरना लेकिन यहां फॉल मीन्स होना पामा रन आर यू एन यहां में रन में दौड़ना नहीं रन मीन्स होना जैसी वर्ब्स भी जैसी वर्ब्स भी जब होने होने के सेंस में कार्य करते हैं होने के सेंस में कार्य करती हैं, तो इनके बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है न कि ऑब्जेक्ट हम लोग किसी शहर में जैसे जौनपुर जा रहे थे शाहगंज छोटे जवान लोग थे और 14-15 साल की उम्र में हमारी बुआ हमारे रहते बाबूजी भेज दिया करते कभी कभी तो अकेले भेज दिया करते तो बाबूजी हम लोग को उतना ही पैसा देते थे जितना किराया लगता हमारी 6 रुपए किराया है तो 6 × 12 13 रुपए नहीं होते असल होता क्या था अगर थोड़ा सा बस उस खराब हो गई आते कुछ खाना पीना चाहे कुछ नहीं खा पी सकते उतने पैसा तो मैं चोरी के पैसे रखे आप माने मेरा बच्चा अगर कल को जाएगा मैं उसे 10 रुपए बढ़ा के दे दूँ कि तुम अगर कोई जरूरत है कि तुम ले लेना बल्कि अभी तो 10 रुपए जमाना क्या 100-200 रुपए आप दे देंगे आप वैसे टीचर होता है वो आप मैं चाहता हूँ अपना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करके पूरा करके निकल लेता हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये मैं क्या चाहता हूँ आप कभी ऐसे सेंटेंसेस महसूस करना सीखें देखें इवेंट और जाने के क्या है आपका ये जानने में कतई मेहनत नहीं जहां पे ही सब्जेक्ट याद तो कर लिया आप यहां से फंस आए तो आप अगर याद कर लेते हैं तो अगर आप फील का प्रयोग करते हैं अगर आप सीन का प्रयोग करते हैं अगर आप अपीयर का प्रयोग करते हैं अगर आप साउंड का प्रयोग करते हैं वैसे मैंने 2-3 वर्ड्स लिखाए नहीं अगर आप चाहे ऊपर जगह तो लिख लें आप टेस्ट स्मेल लुक लिख लें टेस्ट स्मेल और लोग बीकम आप जानते होंगे पहले से भी बीकम मीन्स भी होना होगा तो अगर ये वर्ड्स आप याद कर लें इनके बाद देख रहे क्या आया है एडजेक्टिव आएगा और इसकी हिंदी में क्या हो गई वह उदास हो गए यानी उसे उदासी महसूस होने लगी तो यहां पर यह बीइंग या कौन सी वर्ब है स्टैटिक वर्ब है और जैसे ये लिंकिंग स्टैटिक या बीइंग वर्ब हुई तो आप मुख्य कह दीजिए ये सैड क्या है आपका सब्जेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप करते हैं मैं और भी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं पहले इसको कर लिया तुरंत यहां फील मींस महसूस होना लगना यानी वो उदास लगने लगा उदास हो गया हाँ इसीलिए आप आएंगे वर्ब है ही नहीं कहां से आएंगे जो अच्छा वो करें हाँ इसी वजह चूंकि यहां महसूस करने के सेंस में नहीं यूज करें छूने के सेंस आपको महसूस हो रहा है तो जो वर्ब आगे जब टेंस पढ़ेंगे आप तो आप जानेंगे जो वर्ब्स हमारी स्टेट प्रदर्शित करते हैं अवस्था उन वर्ब्स में हम कभी भी क्या नहीं जोड़ते हैं आएंगे आगे मिलेगा आपको टेंस में भी मिलेगा आपको ये और मैं एक वर्ब पढ़ाता हूं इनकोएटिव वर्ब वहां और अच्छे साफ होते हैं
हो गया। अब ये वर्ड देखिए आप, ये वर्ड अगर आज आप नहीं पढ़ते तो आपको अजीब लगता। चलिए मैं इजी कर दे रहा हूं। योर स्टोरी साउंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग। अब जैसे आप साउंड्स देखते तो आपका साउंड वही होता है जो साउंड होता है डीजे वाला साउंड जिसे आप फोन करके नाचते हैं। ये साउंड ऐसा नहीं, ये साउंड लगना, महसूस होना, प्रतीत होना। क्योंकि उसने कहा, क्या कहा, तुम्हारी कहानी कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग महसूस हो रही है, इंटरेस्टिंग प्रतीत हो रही लग रही है। यहां साउंड में बजना नहीं है, आवाज नहीं है, यहां साउंड में महसूस होना, लगना, प्रतीक होना। योर स्टोरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगी, वर्ब। कौन सी वर्ब, स्टैटिक वर्ब या लिंकिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं। और जैसे ये स्टैटिक या लिंकिंग हुई या बीइंग हुई, आप मुंह के कह दीजिए क्या है आप, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका स्टैटिक हो जाएगा, ये आपकी अवस्था भी था। और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही रियो सस्पिशियस। ग्रो में आप जानते हैं पढ़ना, उगना, विकसित होना, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां ग्रो में होना, वह हो गया, क्या हो गया, वो संदेही, यानी उसे क्या हो गया, संदेह हो गया। यहां ग्रियो होने के सेंस में ये वर्ब क्या है, आपकी स्टैटिव वर्ब है। और अगर ये स्टैटिव है हर हाल में एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वैसे आपको याद होगा किसी शब्द के अंत में ओ यू एस है तो वो शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसे भी दे दिया ये चीज आपके लिए नहीं है कि ग्रो मीन्स होना होकर कैसे हो जाएगा। आगे जब आप इनकोएटिव पढ़ेंगे तो आपने और बेहतर समझ आएगी होना कैसे हो जाएगा। ये भी देख लें आप, ये वैसे जानते होंगे आप पर ध्यान नहीं दिया। जब आप किसी से कहते हैं ना कि वह बीमार हो गया है तो आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं ही फेल इल। आप नहीं कहते ही ही केम इल या ही इज इल या सब, आप क्या कह रहे हैं, ही फेल इल। अभी फेल इज गिरना नहीं, हो बीमार गिर गया है, आप क्या कह रहे हो, वह बीमार हो गया है। यहां फेल क्या है आपका स्टैटिव या लिंकिंग, तो इल क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये फायदे आपको वॉयस में चल के होंगे, एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस में, जहां तय कर सकेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब और एक देखिए आप, अक्सर बचपन में आप किसी से पूछते थे दूध फट गया है का ट्रांसलेशन क्या होगा, जहां तक लोग नहीं बता पाते हैं अब आप बता देंगे, द मिल टर्न। ये टर्न घूमना पलटना नहीं है, इस टर्न मीन्स होना, दूध हो फट गया है इज इक्वल टू फट गया, सर फटने का मीनिंग है आप जानते हैं, सावर मीन्स खट्टा होता है, दूध हो खट्टा हो गया है। तो दूध ऐसा नहीं होता वो कहीं फट जाता है, दूध जब फट जाता है तो वास्तव में दूध क्या हो जाता है, खट्टा ही हो जाता है, कभी चट के निकल फट लेगा। तो ये टर्न क्या है यहां पे है, स्टैटिव वर्ब। ठीक, तो सावर क्या हो जाएगा, हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
जब भी आप कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं हमेशा अपने अंदर धैर्य रखें, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ऐसी चीजें जो टफ है तो 50-60% अगर हम समझ ले तो अभी काफी आगे और आप तय करते हैं। तो अभी वो 50-60% कैसे सहेजें, ऐसे कि यदि इस एम आर वाज वर के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब आती है तो कभी भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन अगर इस एम आर वाज वर्ड के बाद अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है तो वह जो इस एम आर वाज वर्ड है वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी और वो जो हमारा नाउन या एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके अलावा आप किसी को बता सकते हैं यदि चाहें तो, यदि ग्रो का प्रयोग, यदि गेट का प्रयोग, यदि रन का प्रयोग, यदि टर्न का प्रयोग, यदि टेस्ट का प्रयोग, यदि स्मेल का प्रयोग, यदि लुक का प्रयोग, यदि अपीयर का प्रयोग, यदि सेम का प्रयोग, यदि फील का प्रयोग, यदि फाल का प्रयोग, यदि गो का प्रयोग, यदि कम का प्रयोग होने के सेंस में हो रहा है तो इनके बाद जो शब्द आएगा वो शब्द हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर बच्चों आपके मन में आ रहा हो कि सर वो कम वगैरह, मैंने कहा भी इन क्वालिटिव वर्ब में जल्द ही टेंस वगैरह बाद आपको पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे, जैसे आपको कहना हो वह पागल हो गया है तो ही हैज गॉन मैड, हो गया है लेकिन गॉन का प्रयोग कर ही हैज गॉन मैड। मेरे सपने सच हो रहे हैं, मेरे सपने सच हो रहे हैं, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, हो रहे हैं, कम का प्रयोग हम कर रहे हैं। रोज जो है गुलाब का फूल मधुर खुशबू देता है, अर्थात गुलाब के फूल की खुशबू मधुर होती है, अर्थात रोज स्मेल सो स्वीट, यहां स्मेल स्टडी वर्ब में है। आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, या लुक दिखने यानी होने के सेंस में, यानी आप अच्छे दिख रहे हो के सेंस में। अचार का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, पिकल टेस्ट ऑफ सावर, ये सारी वर्ब्स जो है होने के सेंस में आ रहे, ये एक्शन वर्ब्स नहीं है, बीइंग लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब्स है। इनके बाद जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा जो नॉलेज सबके पास होता है, यदि वही आपके पास मेरे पास है तो हम आपसे या हमसे या किसी से कहीं अलग नहीं, आपके पास अगर वो नॉलेज है मेरे पास वो नॉलेज है जो सबके पास नहीं है तभी आप क्या कहलाएंगे, डिफरेंट कहलाएंगे। मेरा क्वेश्चन मैंने बताया था फेसबुक पे, कुछ अलग कुछ बेहतर, मैं वो पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं जो सब लोग पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता है, बट मैं आपको वहां बनाने की कोशिश जरूर करूं जो आपको एक भीड़ के बीच में भी क्या ऊपर खड़ा करके रखे, आप अलग दिखाई दे, उसमें ये रूल आपके काम आए। जब आप किसी से कहेंगे चलो बताओ गो मीन्स क्या होता है, तब सोचते हैं आज से पहले आप गो मीन्स क्या कहते हैं, अरे सर क्या पूछते हैं सब नहीं जानते हैं, कपड़ा में जानते हैं गो मीन्स जाना होता है, फिर मैं आपसे कहूँ गो मीन्स होना होता है, आप कहेंगे अरे सर क्या बात है बिल्कुल बना रहे क्या, क्योंकि आप नहीं जानते। तो अब अगर आप किसी से इतनी सारी वर्ब बताएं कि सर गो मीन्स होना होता है, कम मीन्स होना होता है, ग्रो मीन्स होना होता है, गेट मीन्स होना होता है, रन मीन्स होना होता है, फॉल मीन्स होना होता है, टेस्ट मीन्स खुशबू होना होता है, स्मेल मीन्स खुशबू लेना या इस तरह मतलब स्वाद होने लेने के सेंस में, उसका स्वाद हो ही तो रहा है, लुक मीन्स दिखाई देना मीन्स दिखने के सेंस में है ना कि देखने के सेंस में है। तो ऐसी वर्ब और जो आप लिखा सीम फेल अपियर इन सब एक और वर्ब मैंने लिखाए रिमेन, अगर आप चाहें रिमेन मीन्स बने रहना होना होता है, जैसे कोई कहे वह शांत रहा तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए पर आप पढ़ देंगे तो आप कर लेंगे he remained silent, या remained आपकी स्टडी वर्ब है और जो साइलेंट है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ट्रांसलेशन कैसे सीखते हैं, ऐसे ही फिलहाल ये कर लेंगे जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसको पहचान। नेक्स्ट लेंगे आप लास्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये उससे भी बढ़िया लगेगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट छोटा सा सेगमेंट है केवल। देखिए
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिख लें, नाम से अस्पष्ट है, नाम से अस्पष्ट है कि ऑब्जेक्ट से संबंधित, ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने वाला शब्द, पूरा करने वाला शब्द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी एक लाइन जोड़ दे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने के लिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, यानी ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। पर दिक्कत क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेज सेकंड ले, हाउ टू आइडेंटिफाई या कैसे पहचाने, लिख ले आगे, सीधे लिख ले, एक वाक्य में वर्ब से क्या और किसे का प्रश्न करते हैं, क्या और किसे का प्रश्न करते हैं तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, हमें दो ऑब्जेक्ट्स तो मिलते हैं। लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट्स तभी कहलाएंगे, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स तभी कहलाएंगे जब दोनों अलग अलग हो, ये बात के देखें आप, he presented me, और हमने वर्ब से पूछा कि उसने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया, और गिफ्ट किसे प्रेजेंट किया, जो किसे वाला प्रश्न रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो। अब प्रश्न ये ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, दोनों अलग अलग है, क्या की बात छोड़िए, दोनों अलग अलग है, मी अलग है और गिफ्ट अलग है, ये भी ऑब्जेक्ट होगा और ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, सॉरी कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट, ये कौन सा होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, और ये कौन सा होगा, एक ही घर में कभी दो पिता नहीं हो, ये कौन सा इनडायरेक्ट होगा, और ये कैसे पहचान लिया मेरे हाथ से, क्या मैंने कहा ये डायरेक्ट और ये कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट, ऐसे मैंने दिखाया, तुमने सोचा ये डायरेक्ट होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने उल्टा दिखा था, कौन सा इनडायरेक्ट होगा और कौन सा डायरेक्ट, यही सही ना, दिस इज इनडायरेक्ट एंड दिस इज सो, इफ यू आस्क द क्वेश्चन हुम मींस किसे, and there is an answer, और आपके पास क्या इसका जवाब हो, the object is an indirect object, but if you ask the question what,
क्या का जवाब है and there is an answer. और उसका क्या मिले आपको जवाब मिले जैसे इस डायरेक्ट ऑप्शन जो किसे का उत्तर है वो इनडायरेक्ट जो क्या का उत्तर है वह डायरेक्ट यानी दोनों क्या है ऑब्जेक्ट हो है बैठो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यही बात देखे ऐसे लिखते हैं ही कॉल्ड मी उसने पुकारा क्या पुकारा भूल मोर किसे पुकारा अभी भी किसे और क्या का जवाब है तो ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगेगा कि जो किसे का जवाब है वो इनडायरेक्ट फॉर्म से और जो क्या का जवाब है वो डायरेक्ट लेकिन वो गलत कर रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने के लिए उनका अलग अलग होना भी जरूरी है ये दोनों अलग हैं मैं कोई गिफ्ट तो हूं नहीं मैं अलग हूं गिफ्ट अलग है लेकिन ये दोनों अलग नहीं है मैं ही क्या हूं चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव कि दोनों मिलकर के एक हो जाए दोनों एग्जाम्पल लिखेगा अभी आप ये मत लिखेगा बल्कि अभी केवल ये लिखेगा पहला वाला एग्जाम्पल केवल पहला वाला एग्जाम्पल लिखे He presented me a gift. जहां दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं ओके आपको क्या और किसे से जवाब मिला मिला नहीं दोनों अलग अलग है कि नहीं ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे मैं तो अलग हूं ना और ये गिफ्ट क्या है अलग है क्या दोनों मिलकर के एक है क्या कर क्या मैं गिफ्ट हूं क्या नहीं नहीं मैं मूर्ख हूं क्या हूं मैं मैं तो यहां दोनों एक हो गए मिलकर के और यहां ये क्या हुए अलग इस सेंस में हाँ प्रभाव की केवल बात करेंगे लिखे नीचे लिखे उसके अब नीचे लिखे वर्ब से क्या और किसी का प्रश्न करने पर किसे का प्रश्न करने पर जवाब मिलता हो लेकिन दोनों जवाब एक ही व्यक्ति या एक ही चीज को दिखा रहे हो एक ही व्यक्ति या एक ही चीज को दिखा रहे हो तो पहले ऑब्जेक्ट होगा और पहले ऑब्जेक्ट होगा और बाद वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पहले ऑब्जेक्ट होगा और बाद वाला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे ये एग्जाम्पल करना ही कॉल्ड मी फूल डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई होगा नहीं एक ही डायरेक्ट होगा एक
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। सर आप बताएं तो सीधे से पूछता है तो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन ये पीछे से पूछता तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। आप पहले ही वाला देखे बाबू, आप ध्यान नहीं देते। मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खेल कब चलेगा? दो ऑब्जेक्ट्स है, कहां दो ऑब्जेक्ट्स है? यहां पे आपको कहा गया ना किसे का जो ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट और क्या का जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट, क्योंकि यहां दो ऑब्जेक्ट्स है। यहां कितने ऑब्जेक्ट्स? एक है। तो मैंने पहली लाइन में लिख पाया था कि वाक्य मगर एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो जीव सजीव चाहे क्या किसे किसी से मिले वो क्या होगा? एक और लिख लें आप, He considers me wise. He considers me wise. कभी ये चीजें बहुत कठिन हुआ करते थे, इजी करना सीखे और विश्वास करें खुद पे। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये कुछ करता है, क्या करता है? कंसीडर। कंसीडर मींस विचार करना, मानना। वह मानता है, क्या मानता है? वाइज, बुद्धिमान। किसे मानता है? मुझे। हमें लगेगा दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं ही क्या हूं? अभी मैं ही क्या था? मैं नहीं, आपकी ऐसा समझिएगा, क्योंकि आपकी मैं बोल रहे हैं, अभी तो मैं ही बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन अभी मैं क्या हो गया? बुद्धिमान। तो he considers me, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर। ये सेंटेंस का एक पूरा खंड आपका खत्म होगा, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये मैं चाहूंगा कल जब आप आइएगा तो आपसे रिवाइज करके आए। कोई भी सेंटेंस हो, क्या हम सब्जेक्ट पहचान सकते हैं? क्या हम उसकी वर्ब पहचान सकते हैं? क्या हम उस वर्ब के द्वारा ये पहचान सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है? है तो कौन सा है या कौन कौन से है? क्या हम पहचान सकते हैं कि उसके बाद कोई एडवर्ब का भी प्रयोग किया गया है? क्या हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कब है और इनडायरेक्ट कब है? क्या हम पहचान सकते हैं कि वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या डाइट्रांजिटिव है? क्या हम पहचान सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? क्या हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंपल सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है? जो हमारा वो प्रेडिकेट है वो सिंपल प्रेडिकेट है या कोई और प्रेडिकेट? तो समझिए, आप इस सेंटेंस से संबंधित चीजें कर ली। जिन बच्चों को आप में वो सेंटेंस मतलब वर्ड फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस देखिएगा, इतना मैंने आपको शीट में दिया है, उस शीट में मैंने अपनी भाषा में लिखा हो, पढ़िएगा उसे, इतना बढ़िया लगेगा आपको जो सेंटेंस वाला पैसेज। मैंने लिखा उसे इलाहाबाद में, मैंने लिखा था उसे अपनी भाषा में उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सब्जेक्ट पहचानने में, वर्ब पहचानने में, ऑब्जेक्ट पहचानने में या कॉम्प्लीमेंट पहचानने में दिक्कत है। मैंने वहां देखा किताबी भाषा में नहीं लिखा, मैंने समझाया बिल्कुल लिख करके, इस अवस्था में सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसे पढ़ेंगे तो कल आएंगे, अगर उसके बावजूद आपको लगे नहीं आप नहीं समझ पाए मैं यहाँ पे हूँ, आप इनसे क्वेरी कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन होगा सेंटेंस का ही दूसरा सेक्शन होगा, लास्ट जो सेक्शन होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जहां कुछ ही पहली बात सर बेहतर जानेंगे जो हम लोग के टीचर्स पढ़ाए उससे बेहतर। कैसे? हम लोग के टीचर्स ने जैसे ही सेंटेंस नाम की चिड़िया सामने आई, प्रकार नाम की चिड़िया, टाइप नाम की चिड़िया, वैसे उन्होंने कहा बच्चों सेंटेंस पांच प्रकार का होता है, असर्टिव, इंडक्टिव, ऐसे पढ़ाए याद करें। देखिए अपनी नोट, अभी आप कल से क्या पढ़ेंगे कि बच्चों सेंटेंस दो आधारों पे क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो आधार? एक स्ट्रक्चर के आधार पे और एक मीनिंग के आधार। जब स्ट्रक्चर के आधार पे जाएंगे तो सेंटेंस आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिक्स्ड होगा, और जब हम मीनिंग के आधार पे जाएंगे तो फिर उसका जो लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा।
तब वो डेक्लरेटिव अर्थात एसर्टिव इंटरवेटिव इंपेरिव और एक्सप्लेनेटरी होगा, लेकिन पांचवा भी हम जोड़ सकते हैं, कौन सा? ये तो ऑब्जेक्ट ले रहा है यहां पे, जब ऑब्जेक्ट ले लिया कैसे स्टैटिक हो जाए? कल बाबू बताएंगे। मैथ्स वाले बच्चे रुक जाएंगे, एक